और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल घटना मामले में देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बदसुलूकी मामले में सीक्वेंस बना रही है स्वाति मालीवाल, बदसुलूकी मामले में घटना का टाइमलाइन बना रही है पुलिस और सीक्वेंस बना रही है पुलिस की टीम। सीसीटीवी खंगालने की तैयारी में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। स्वाति मालीवाल जो बदसुलूकी का आरोप लगा रही थी, अब इस मामले में पुलिस की टीम एक्टिव हो चुकी है और इस पूरे मामले का सीक्वेंस बनाने की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल की बदसुलूकी का मामला, विभव कुमार की तलाश में जुटी है पुलिस। एफआईआर दर्ज होने के बाद विभव कुमार की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की 5 टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस की 4 टीम विभव की लोकेशन तलाश रही है। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने यूपी में संभाला मोर्चा। बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में पीएम मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। तीनों लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए रवाना होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6 बजे के करीब एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। यूपी, ओडिशा और झारखंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के भदोही में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। कहा, राजनीति झूठ बोलकर नहीं की जाती, सार्थक राजनीति सच बोलकर होती है। यूपी के फतेहपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने केजरीवाल के दावे का जवाब दिया। योगी को हटा देगी बीजेपी वाले बयान पर कहा, अपनी बात को मुझसे जोड़ रहे अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम पर करेंगे चर्चा। आज दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में दोनों एक साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अमेठी में, दोपहर 3 बजे रायबरेली में जनता से वोट की अपील करेंगे। स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पूछा सवाल। इंडी गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन, क्या दिन के हिसाब से प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर निशाना। कहा, संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता अभी भी जारी है, पुलिस नहीं ले रही कोई एक्शन। सीएम योगी ने पीटीए को लेकर अखिलेश को घेरा। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कहा कि चाहे प्रयागराज हो या गाजीपुर, माफिया को गले का हार किसने बनाया था। समाजवादी पार्टी की संवेदना सिर्फ माफिया के साथ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों के बाद जहां चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है, वहीं नेताओं के वार एक दूसरे पर बेहद तल्ख हो चुके हैं। ये हमले तीखे तो हैं ही, चुटिले भी हैं। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी ने खुद चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। कौशाम्बी में सीएम योगी गुरुवार को जमकर गरजी। समाजवादी पार्टी पर माफिया को अपने गले का हार बनाने का आरोप लगाया और सपा के पीडीए फॉर्मूले की भी हवा निकाल दी। मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं
वो माफिया की कब्र पर तो फातिया पढ़ते हैं, लेकिन राजू पाल और उमेश पाल की मौत पर संवेदना तक जाहिर करना जरूरी नहीं समझते। क्या राजू पाल और उमेश पाल पिछड़े नहीं थे? ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था, मैं पूछना चाहता हूँ, राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति, वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, अलग अलग जाति के थे, इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। सीएम योगी ने हमला और तीखा करते हुए कहा कि हमने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया और अब माफिया वो नहीं जो मिट्टी में मिल गए, अब तो इन माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाना है और किसी माफिया को पनपने भी नहीं देना है। आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामों निशान मिट गया और साथ साथ 10 वर्ष में जितना माफिया और उनके गुर्गों ने कमाया होगा वह भी वसूली हमने किया और साथ साथ उस माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है कि कैसे सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। योगी मॉडल की न सिर्फ जनता मुरीद है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी जमकर तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में कहा कि पहले की सरकारों ने यूपी की हर सीट पर एक माफिया बनाया और योगी जी ने हर सीट से माफिया मिट्टी में दफन कर दिया और अब जनता नहीं माफिया थर थर कांपते हैं। सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था,